खरीदारी करें तो कौन से सेगमेंट में, कौन से स्पेस में, कौन सी थीम चलेगी एग्री में, ये बताएं। सो इन एग्री अगर आप देखें लास्ट दो साल में एग्री रिलेटेड सेक्टर्स काफी अंडर परफॉर्म किए हैं। एज एवरीबडी नोज कि वो काफी बड़ा ड्रॉट था दोनों साल में और इसीलिए सबड्यूड डिमांड था। गोइंग फॉरवर्ड इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने भी की आशा ये है कि ये टाइम नॉर्मल मॉनसूनस होंगे। सेकेंडली जो इंक्रीमेंटल फोकस आया है बजट में उसके कारण हमें लगता है ट्रैक्टर्स, फार्म इक्विपमेंट, एग्रोकेमिकल्स, सीड्स, ये सभी सेक्टर्स में हमें लगता है कि काफ़ी अच्छी बॉयंसी आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड। और स्पेशली ओवर एंड अबाउट दिस कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी साइड में टू व्हीलर्स एंड पेंट्स, सो जो भी ये ऑल दीज सेक्टर्स जो एसोसिएटेड है रूरल इकोनॉमी के साइड, हमें लगता है कि ये गोइंग फॉरवर्ड अच्छा परफॉर्म करेंगे। राइट, जो आपने पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसमें जो थीम है वो फिर से डोमेस्टिकली ड्रिवन सेक्टर्स जो हैं जहाँ पर खपत ज़्यादा होती है वो ज़्यादा फेवरेबल में है आपके। इसमें दो और सेक्टर हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और पेंट्स, यहाँ पर क्या वैल्यू बाइंग आप देखते हैं या फिर कोई ट्रिगर है जो इन दो स्पेसेस को लीड करेगा? अगेन हमारा फोकस एज यू राइटली मेंशन डोमेस्टिक ड्रिवन कंजम्पशन थीम पे है। हमें नहीं लगता है कि ग्लोबली जो भी एक्सपोज्ड कंपनीज है उतनी यहाँ से बढ़ोतरी हम देख सकेंगे, बिकॉज ग्लोबल एनवायरनमेंट इटसेल्फ बहुत वीकेंड है और ग्लोबल जीडीपी फोकास्ट आल्सो नीचे आ रहे हैं। सो हमें लगता है कि इन द टोटल स्कीम ऑफ थिंग्स इंडिया एज एन इकोनॉमी इज गोइंग टू डू वेल, और इंडिया इकोनॉमी में जो भी खपत के ड्रिवन सेक्टर्स हैं वो हमें पसंद है। इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स व्हाई वी सेड इज बेसिकली वन, सेवंथ पे कमीशन देख लीजिए, ओआरओपी देख लीजिए, इन एडिशन टू रूरल डिमांड रिवाइवल्स देख लीजिए, ये सारे सेक्टर्स जो हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड या थीम ऑन दिस थीम के कंजम्पशन बरकरार रहेगी इंडिया में गिवन द ग्रोथ।